कांग्रेस संगठनात्मक जिला कांगड़ा की जिला अध्यक्ष सुमन वर्मा ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सुमन वर्मा ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जब वे जिला अध्यक्ष बनी थी उस वक्त वे पूरे कांगड़ा जिला की अध्यक्ष थी, लेकिन इस वक्त वे संगठनात्मक जिला कांगड़ा की अध्यक्ष है। ऐसे में जिला कांगड़ा में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इस हार की वे नैतिक जिम्मेदारी लेती हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में पार्टी जो उन्हें कार्य सौंपेगी उसे वे निष्ठा के साथ करेंगी। उन्होंने बताया कि वे अपने पद से इस्तीफे की कॉपी प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेज रही हैं। उनके इस्तीफे को मंजूर होते ही जिला कार्यकारिणी को भी भंग कर दिया जाएगा। वर्मा ने प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को विजयश्री के लिए बधाई दी, साथ ही कांग्रेस के विकास की गति को आगे बढ़ाने का आह्वान भी किया ताकि आम जनता व गरीब लोग काम करते रहें। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस नेता नवीन शर्मा, संजीव गुप्ता, मनोज मेहता शामिल रहे। जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें हमारी हार हुई है, तो विकास तो कांग्रेस पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मंत्री ने खूब विकास करवाया था, उसमें कोई शक की बात नहीं है, पर शायद हमारे में कोई कमी रह गई है, तो उसको हम पूरा करेंगे। आगे पार्टी जो मेरे को जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगी अपनी जिम्मेवारी। तो आपके माध्यम से आज मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा देती हूँ और अध्यक्ष को भी भेज दूंगी। और जो बीजेपी की नई सरकार बनी है उस सरकार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं सरकार से ये चाहती हूँ कि जो विकास के कार्य चले हुए हैं उनको वो आगे बढ़ाएं और खूब विकास करवाएं। मेरी तरफ से उनको